हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे इस चैनल को इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं अपोलो हॉस्पिटल के हर एक ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में है। तो इसके यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या रिक्रूटमेंट हो रहा है, कौन कौन लोग जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में। तो दोस्तों, इसके पहले आपको इस पेज में आना होगा। इस पेज का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। इस पेज में आने के बाद आपको क्या करना है, जॉब सर्च यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको उसमें क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जो रिसेंटली जॉब पोस्ट हुआ है सब कुछ आपके सामने चला आएगा। उसके बाद यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे वन बाय वन जो कि आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है, कौन कौन लोग यहाँ पर एलिजिबल करेंगे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर पोस्ट निकला हुआ है वार्ड सेक्रेटरी, जिसके यहाँ पर आपको जॉब लोकेशन रहेगा अपोलो फैसिलिटी हॉस्पिटल नेलोर। उसके बाद यहाँ पे है फिर से वार्ड सेक्रेटरी, जिसके लिए आपको बेंगलोर में इसका जॉब लोकेशन रहेगा। टाइपिस्ट अपोलो हेल्थ चेक, जिसके लिए आपको चेन्नई में आपको इसका जॉब लोकेशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग, जिसके पोस्ट निकला हुआ है इसका जॉब लोकेशन आपको रहेगा भुवनेश्वर में। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या पोस्ट निकला है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से जो कि इसका जो जॉब लोकेशन है, तो ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब मिल जाएगा अपोलो हॉस्पिटल के तरफ से। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में ही होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टेली कॉलर जिसका आपको जॉब लोकेशन रहेगा चेन्नई में। उसके बाद है टेक्नीशियन डायलिस न्यूरोपोलॉजी, जिसके लिए आपको जॉब लोकेशन रहेगा नासिक। इस तरह से आप बहुत सारे और भी जॉब जो कि आपको मिल जाएगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई में जो अप्लाई बटन है आपको वहाँ पर क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद इसका जो डिटेल्स है, इस जॉब के डिटेल आप लोगों के सामने चला आएगा। उसके बाद इसका एक पेज दिया जाएगा, जिस पेज को आप एप्लीकेशन को आपको फिलअप करके आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक प्रीवीसी जो कि प्राइवेसी एग्रीमेंट जो दिया हुआ है, इसको आपको यहाँ पे दिया जो कि आपको ओके करना होगा। इसके बाद ही आपको इसका जो आई एक्सेप्ट जो है इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पेज है आपको वहाँ पर जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका जो आई एक्सेप्ट वाला ये एक्सेप्ट जो है यहाँ पे मैं तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जिस फॉर्म को दिया गया है इस फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। आपको यहाँ पे टाइटल देना होगा, कौन पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, जेंडर, सिटी, नेशनलिटी, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं उसका नाम, आपके उसके बाद जिप कोड, आपका फ़ोन नंबर, उसके बाद आपको वर्क फ़ोन नंबर, होम फ़ोन नंबर, सेलुलर नंबर, सब कुछ यहाँ पे देके सेवन कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद आपका जो जॉब लोकेशन, जॉब के एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो कि वेट करना होगा, अगर आपका जो कि सी बी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्टेड होता है तो इस पोस्ट के लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे बुलाएंगे फॉर इंटरव्यू। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको ये जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपोलो हॉस्पिटल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोग पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।